गाइस मुझे आप लोग सजेस्ट करो कमेंट में कि मुझे कौन सा टायर अब लगवाना चाहिए। रेयर में 140 में ही सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है। लेकिन बंदा भी भाई डर गया, उसने भाई कैमरा देख लिया, तो भाई वो देख लिया कि मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। तो ओ 40 सेक्शन के टायर का कुछ तो फ़ायदा उठाए हम, यूं ही थोड़ी लगवाया है हमने टायर। ओए 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 भाई बच्चे रोक ले, तो कहता है ओ बेटे ब्लॉक शूट कर रहे हैं विदाउट नंबर प्लेट। कहता कब, ये वही मनहूस स्पीड देकर है जहाँ से मेरी गाड़ी जंप हो गई थी। लग पाते गाइस एग्जॉस्ट होता, ट्राई कर रहे हैं गाइस एग्जॉस्ट के लिए। डॉग एंजॉय कर रहे भाई, छपरी वाली हरकतें नहीं करेंगे गाइस हम लोग। ओए होए होए छपरी अल्ट्रा मैक्स प्रो। ऑलराइट एम जी फैमिली, होप सो यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम जी स्लॉटर। सो गाइज अभी मैं बताऊँ, हाँ सो गाइज अभी मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था और घर से मैंने ध्यान नहीं दिया कैमरा एंगल का, वो भी अच्छा हुआ कि मैंने पता नहीं यहाँ आके रुका मैं राजेंद्र नगर में, और मैंने देखा कि यार मेरा व्लॉग जो है बिल्कुल ऊपर की साइड आ रहा था, मतलब ये मीटर बिल्कुल भी आ नहीं रहा। अब शायद से आपको कैमरा एंगल अच्छा मिल रहा होगा। सो थोड़ा बहुत गलती हो जाती है फ़ोन व्लॉगिंग से, देखो गाइस फ़ोन से इसलिए मैं व्लॉग करता हूँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुली करता हूँ। अब शायद से आपको जो कैमरा एंगल है वो अच्छा मिल रहा होगा। और गाइस हम लोग, मैं बताऊँ, हम लोग जा रहे हैं दिवाली रिएक्शन लेने, थोड़ा दिन का टाइम है और रात में थोड़ी सी क्वालिटी गिर जाती है भाई कैमरे की, क्योंकि मैं जैसा सोचता हूँ। तो अगर मौका मिलेगा तो हम लोग रात का भी व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग सीधे चल रहे हैं शहर कुतुब खाने, थोड़ा रश भी होगा और फनी रिएक्शन भी कभी कदा मिल ही जाते हैं। और अभी चलिए गाइस फिर चलते हैं बड़े मज़े से अपने व्लॉग एंजॉय कर रहे भाई। इस भाई का सबसे ज़्यादा खुशी है भाई, भाई को लग रहा है कि डबल धमाका मिला है इस बार। ओहो बचाई है गाड़ी, कैमरा एंगल गाइस आपको अच्छा मिल रहा होगा उम्मीद करता हूँ, एक बार भाई गलती से सीख लेते हैं। बाकी गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे कौन सा माइक सेटअप यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर माइक सेटअप यूज़ नहीं कर रहा हूँ और गाइस थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको भी मेरी वॉइस सुनने में। तो मेन सीन्स है गाइस वो मेरी वाली वीडियो के साथ मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि उसमें जो कैमरा एंगल था गाइस मतलब बिल्कुल ऊपर की साइड आ रहा था, मेरा ये मीटर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। ओहो रश काफ़ी है आगे चल के, तो बहुत ज़्यादा रश हो गया यहाँ पे देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छा लोगों ने दुकान लगाई हुई है, मतलब दिन में भी गाइस बहुत भीड़ है और रात में भाई सब लोग मनाएंगे दिवाली, फोड़ेंगे बम। हमारे पास भी गाइस एग्जॉस्ट होता, ट्राई कर रहे हैं गाइस एग्जॉस्ट के लिए, एग्जॉस्ट लगाएंगे गाइस फिर उसके बाद करेंगे भ्रूम पट। मजा कर रहे गाइस, ऐसी छपरी वाली हरकतें नहीं करेंगे गाइस हम लोग। ओए होए होए छपरी अल्ट्रा मैक्स प्रो। गाइस मुझे लग रहा है कि अंदर भीड़ होगी बहुत, तो क्या करना चाहिए गाइस, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? वैसे चलिए गाइस आपके लिए चलते हैं, देखी जाएगी भीड़ होगी तो होगी, चल रहे चलिए अब चल ही रहे हैं तो क्या करें, चलते हैं गाइस आगे से फिर रास्ता ढूंढेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो, अगर यहाँ पे आप लोग अच्छा सा, अगर आप लोग को पता है यहाँ के रास्ते तो आप निकल सकते हो भीड़ भाड़ से बच के। मैं एक बार गुम हो चुका हूँ यहाँ पर लकीली मैं गलियाँ करके, मुझे खुद ही ध्यान नहीं गाइस मैं कैसे निकला हूँ, पीआई खड़ा था गाइस, मैंने मुँह नीचे कर लिया था इसलिए, क्या पता मुझे रोक लिया था, कहता ओ बेटे ब्लॉग शूट कर रहे हैं विदाउट नंबर प्लेट। कहता कम बेटा, क्योंकि अभी मेरा गाइस ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, देख लो भाई कितने उसमें मैं चला रहा हूँ गाइस। यहाँ के तो मैंने गलती कर दी, चलो गाइस अंदर ही अंदर चलते हैं इनके पीछे।
अब मैं गाइस यहाँ दोबारा नहीं आने वाला भाई यार, बहुत बहुत दिक्कत हो गई मुझे, यहाँ से निकलने का रास्ता देखना पड़ेगा। सो गाइस यार मतलब क्या ही बताऊँ मैं अभी बीच में, मुझे जिस चीज़ का डर था वही हुआ। और मेरे साथ ये हर बार होता है नई प्लेस में यार, कि मतलब बिल्कुल ही मतलब मैं रास्ता ही भटक गया, फिर मुझे वहाँ से पूछ के गूगल मैप ऑन करके तब आना पड़ा मुझे भाई। जब यहाँ से रास्ता मिल गया आगे शामगंज फ्लाईओवर है, वहीं से चलते हैं सीधे अपना पहुँचेंगे टेंट। अंदर जाना गाइस मतलब बिल्कुल ही मैं सोचता हूँ बेवकूफ़ी है, जाओ मत भाई। ये जगह कुछ गाइस जानी पहचानी सी है। ओह अरे समझ गया, अच्छा ये रोड यहाँ आके निकलती है। ओहो समझ गया भाई। चलो भाई अच्छी वैसे सीधी सीधी रोड थी, कोई दिक्कत नहीं हुई वैसे। चलिए बस बढ़िया था, यहाँ से चलते हैं गाइस फ्लाई ओवर से। और कुछ लोग ने मुझे पर्सनली मुझे बताते हैं, और सामने जो मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई पब्लिक में रश करो। तो मैं बताऊँ जहाँ जगह मिलती है मैं गाइस करता हूँ रश, पर ये नहीं है कि मैं बिन देखे मैं रश करता रहूँ, क्योंकि दूसरे की जान का भी खतरा रहता है बाई चांस अगर हमारी गाड़ी स्किप करती है तो दूसरे भी इंजर्ड होते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने रश करा और सामने ऑटो वाला आ रहा था, तो ये सब गाइस देखना पड़ता है चीज़ें गाइस। रश करने से मतलब नहीं होता गाइस, आपको एंटरटेन भी करना है मुझे, और मुझे पब्लिक को भी सेफ रखना है ताकि मेरी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो। और मतलब यह है कि ऑल ओवर सब चीज़ ध्यान में रख के मुझे चलना पड़ता है, खुद को भी सेफ रखो, आपको दूसरे को भी सेफ रखो, आपको एंटरटेनमेंट भी मिले, उस चीज़ सब उन सब चीज़ों का मुझे गाइस यार ध्यान रखना पड़ता है। ये वही मनहूस स्पीड ब्रेकर है जहाँ से मेरी गाड़ी जंप हो गई थी। ओए 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 भाई बच्चे, ओए ओए भाई देख तो तू, चलो भाई बंदा देखो इसने भाई स्प्लिट करा था भाई, बाकी हाँ नहीं भाई यार थूका करो ना, गाड़ी स्लो करके तब थूका करो यार। चलो भाई आराम। सो भाई साहब बंदे ने अपनी भाई गलती मानी, अब बंदा भी भाई डर गया, उसने भाई कैमरा देख लिया, तो भाई वो देख लिया कि मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, तो बेटा यार बंदे ने रुक कर सॉरी भी बोला। ठीक है भाई अगर बंदा अपनी गलती एक्सेप्ट करे तो यार ठीक है, अगली बार भाई वो पक्का भाई ये बात गारंटी नहीं करेगा ऐसी गलती भाई। ये लगी है गाइस पटाखों की इतनी ढेर सारी दुकान है भाई, इतनी ढेर सारी भाई दुकान है भाई मेरे पास भाई यार, इतना कोई यार मतलब फालतू का पैसा थोड़ी है यार मैं, मतलब यार तुम कुछ भी चेपो और मैं भाई ले लूँ है ना। मैंने वो भाई सीन काट दिया, मैंने जानबूझ के काटा है वो सीन, लेकिन बताऊँ भाई पर्सन भाई जो पेन भाई आप और मैं 5-5 रुपये के भाई इतने लंबे लंबे वाले पेन हम लोग यूज़ करते, तो भाई वो करीब 5 रुपये का एक आते भाई, वो बंदे बेच कितने रहा है 30 रुपये का भाई। मैंने कहा क्या बेच रहा है, मैं कहा सोने की प्लेटेड है क्या भाई, इतना लंबा पेन भाई 5 रुपये का चलाता था, 5 रुपये में भाई चलाता पूरा महीना वही पेन, और भाई तुम इस चीज़ को 30 रुपये में बेचो भाई, क्योंकि बेवकूफ़ बना रहे हो यार। थार आ रही महिंद्रा थोर इसका नाम रखा। अच्छा हम मेरे भाई ने मेरा भाई है अरमान, तो उसने अपनी R15 V4 का नाम रखा है थोर, थोर का हथौड़ा। तो भाई को भी लाना है अभी राइड में, सो लेके आएंगे अपने भाई को भी राइड में। यहाँ पे आके गाइस यार मुझे सुकून मिलता है, सुकून मिलता है भाई। लोग कहते हैं भाई गाने में कुछ कुछ लिरिक्स डालते भाई सुकून, भाई असली सुकून तो भाई मुझे यहाँ मिलता है भाई, तुम्हारे भाई को यहाँ से लीन मारेंगे सी तो। बड़ी गंदी रोड है भाई, 40 सेक्शन के टायर का कुछ तो फ़ायदा उठाए हम, यूं ही थोड़ी लगवाया है हमने टायर। गाइस मुझे आप लोग सजेस्ट करो कमेंट में कि मुझे कौन सा टायर अब लगवाना चाहिए, रेयर
रेयर में 140 में ही सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है। लेकिन मिचलिन का टायर लगा है मेरी बाइक में अभी, पता ना का ये व्लॉग गाइस लंबा रहेगा और काफ़ी मज़ेदार भी रहा है ये व्लॉग मेरे साथ। गाइस काफ़ी मज़ेदार सीन हुए हैं, उम्मीद करूँगा कि गाइस आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई यार